अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब ठीक हैं, खैरियत से? आई होप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनी थी और इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं निहारी का मसाला, इसमें मैंने वन टीस्पून जो है भर के ये वाला लिया है जायफल जावित्री का पाउडर। ये मैंने 2 टीस्पून जो है वो सौंफ लिया है और ये 1 टीस्पून भर के जो है ना वो काली मिर्चें हैं। ये 2 से 3 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा भर के। ये 1 स्पून लिया है इसमें तकरीबन 12 से 15 जो है ना वो छोटी वाली इलायची है। ये 4 जो है बड़ी इलायची है। ये तेज़पात है, तेज़पात तो मैंने ये लिया है। इसके साथ थोड़ा सा ये टुकड़ा ले लिया है और ये मेरे साथ दालचीनी है। दालचीनी के मैंने ये इस तरह से ले लिया, आप ये देखें। अच्छा, इसमें जो है ना वो 1 से 2 दफ़ा जो है ना वो आपकी निहारी बन सकती है, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी। इसको सबको जो है ना हल्के से ड्राई रोस्ट करके और उनका फाइन पाउडर बना। अच्छा, आज मैं निहारी बनाने लगी हूँ और ये मेरे पास जो है वो बोंग का गोश्त है, 1/2 किलो गोश्त है और इसकी जो है वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी बूटियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी ना इस तरह से, ये हड्डी के साथ और चिकनाई के साथ ये इसकी बूटियाँ हैं बड़ी बड़ी सी। और इसमें जो है वो हम पहले क्या करेंगे, 1/2 किलो का तकरीबन गोश्त है, अदरक लहसुन का पेस्ट उसको फ्राई करेंगे। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। इसको मैंने एक तरीके से फ्राई किया है। अब साथ ही हम जो है गोश्त डाल देंगे, थोड़ा शोर होने लगा था। गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे और अदरक लहसुन के साथ कुछ देर गोश्त को जो है अदरक लहसुन के साथ भूनूंगी और थोड़ी देर बाद ही मैं इसमें जो है ना वो निहारी मसाला ऐड कर दूँगी। और ये घर का बना हुआ निहारी मसाला जो हमने अभी बनाया था इसको जो है ना हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है, मैंने थोड़ा सा करी ज़्यादा रखनी है इस वजह से। इसमें से 1 टी स्पून छोटा सा चमचा जो है वो हम हटा के बाकी सारा इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, साथ साथ ना निहारी के मेरे पास ये रखे हुए थे 3 ये वाले ना, तो 10 पैक्स मेरी बहुत ही प्यारी थी, दोस्त ने मुझे दिए थे। मैंने कहा चलो मैं इनको बना लेती हूँ। और ये मैंने जो है ना इनको निकाल के थोड़ा सा वॉश करके रिंस करके ये मैंने एक जगह कलेक्टिव कर दिए हैं। और ये मेरे पास बटर है, बटर के मैं जो है ना वो 2 टेबल स्पून दूँगी। साथ में मेरे पास थोड़ा पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर और नमक बस ले लिया है। और एंड में जो है इसमें लीमू हैम ऐड कर देंगे और ये बहुत मज़ेदार से जो है ना कॉर्नस बन जाएंगे। आप चाहें तो इसमें जो है वो कुछ थोड़ा सा अनियन वगैरह इस तरह की भी चीज़ आप डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ले लिया। जैसे ही बस मेल्ट होता है बटर, इसको जो है ना हम इसमें कॉर्नस ऐड करेंगे और बाकी मसाले। और फिर ये थोड़ा सा पानी इसमें गोश्त ने छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी मैंने खुद भी डाला था। अब इसमें ना मैं मसाला डालने लगी हूँ। मसाला डाल के मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी। पहले मैं अभी इसको जो है ना मेल्ट होने लगा, इसको हम रेडी करते हैं। होने लगा यहाँ पे बटर मेल्ट और इसमें मैं जल्दी से जो है ना ये अपने कॉर्नस ऐड कर दूँगी। और साथ साथ हम इसमें अपने मसाले भी डाल देंगे, इन्हें मिक्स कर लेंगे। और बच्चों के लिए तो इतनी स्पाइस काफ़ी है, मुझे और आतिफ को खाने होंगे तो हम लोग इसमें थोड़ा और चाट मसाला वगैरह ऐड करके खा लेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसमें जो है वो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा हम लीमू ऐड कर देंगे। इसको जो है वो टाइम आ गया डिश आउट करने का। ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, कॉर्न्स रेडी हो गए, तो ये हमारे कॉर्न्स रेडी हैं। अब मसाला जो है वो अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा गोश्त भुन चुका है। अब मैंने अपना जो ग्राइंड मसाला था वो डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था बाद के लिए और उसको थोड़ा सा भगार करेंगे। इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर ले लिया है, कश्मीरी लाल मिर्ची हैं, ज़ीरा है, भुना हुआ धनिया है मेरे पास और हल्दी है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें और अब इन सारे मसालों के साथ हम स्पेसिफिक जो है निहारी मसाला और ये वाले मसाले ये सारे हम मिला के अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। और जब ये भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें जो है ना अपने मसाले के अकॉर्डिंग मैंने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उसका मैंने 3 कप तक इसमें पानी डाला था। और क्योंकि हम लोगों को सालन बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही मसाला लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग टू योर होम मेम्बर्स जितने अपने लोगों के लिए बनाना है उसके अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं पानी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने पानी इसमें डाल दिया है। इसका अब गोश्त का गलने का प्रोसेस है, गोश्त को गलने के लिए हम छोड़ देंगे। और जब गोश्त गल चुका था तो उसके बाद मैंने इसमें जो है ना वो अपना 3 टेबल स्पून तक, 3 से 4 टेबल स्पून तक मैंने आटा लिया है। आप मैदा भी ले सकते हैं और एक लई की तरह इस फॉर्म में इसका टेक्स्चर होगा। डाल के हमने इसको लाइट लाइट सा हिला लेना है और इसमें थोड़ा सा और रिक्वायर्ड था तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाल दिया। हल्की आँच पर थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाएंगे क्योंकि आटा भी कच्चा था तो इसमें जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और जैसे ही आपका ये टेक्सचर बन जाए आपकी निहारी का तो आपकी निहारी जो है वो रेडी है। उसके बाद आपने जो है ना वो इस बचे हुए मसाले का मैंने बघार लगाना है। हल्की सी आंच पर मैंने इसको
फ्राई किया और उसके बाद मैंने इसको ऊपर से इसका बघाड़ लगा दिया। बाकी फिर मैंने जो चीज़ें गार्निश करने की थी वो अपना गार्निश कर दी इसके साथ। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी निहारी की, और इसको इसी तरह से फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप बाहर की कहीं की भी निहारी खाना भूल जाएंगे। और इसी तरह से आप मटन में भी इसको बना सकते हैं और चिकन में भी। मटन में थोड़ा सा कम टाइम लेगी और चिकन में जो है ना वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। बस ख्याल रखना है कि चिकन को हम जब भूनेंगे तो भूनते भूनते साथ ही जो है ना वो काफ़ी हद तक गल जाएगी, तो उसमें ज़्यादा पानी डालने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ग्रेवी बनाने के लिए पानी ऐड कर दीजिएगा। सेम यही मेथड रहेगा मटन और चिकन के साथ भी। कहाँ कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये फ़ाइनल लुक है मेरी नहारी का और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।